भैया से मैंने पूछा कि भैया कैसे लग गए, तो भैया कह रहे हैं हीरो। सो भैया सही से जा, आराम से जी। आप गोबर जी हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं मार्केट। गोल भी जा रहा है मेरे साथ क्योंकि एक टी शर्ट लेनी है जो कि मेरे गाँव में एक भैया रहते हैं, सो उनके लिए लेनी है। सो उनको भेजूँगा मैं, और मम्मी पापा भी आज ही गाँव जा रहे हैं। सो चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं उनके लिए टी शर्ट एक। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइज, पहुँच चुके हैं और चलते हैं अंदर। गोलू भी हमारे साथ, लेट्स गो। सो गाइस, टी शर्ट से बढ़िया तो शर्ट आ रही है पसंद, तो शर्ट ट्राई करते हैं। थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तुम्हें, आ जाएगा ना फिर। सो गाइस, एक एक्सल साइज और ये लार्ज साइज, गोलू को भी यही पसंद आ गया तो ये भी ले रहा है, और मैं भी देख रहा हूँ अपने लिए, तो मुझे भी कोई पसंद आता तो वो भी लेते हैं, फिर दोनों पैक करवाते हैं, फिर देखते हैं अपने। पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, हरा वाला देखते हैं भाई, दिखा नहीं वो पहला वाला। सो भाई, दो टी शर्ट ले लिए, फिटिंग करवा रहे हैं, और मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आया, बचा ही नहीं है कोई पीस बढ़िया। जो एक पसंद आया तो गोल ने ले लिया, लेंगे हम कभी होगा। जा रहे थे और यहाँ पे भी शर्ट लग रखी है, जो ये वाली पसंद आ रही है फ्रंट वाली, ब्लैक वाली। सो अंदर जाके देखते हैं, पसंद आते तो लेते हैं रेडी। सो ये वाली शर्ट पसंद आई है, और भैया से मैंने पूछा कि भैया कैसे लग रही है, तो भैया कह रहे हैं हीरो। सो भैया की नहीं लगता, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है। तुम लोग को लगता है मुझ पे अच्छी लग रही है? हीरो 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 की क्या बात है, माँ दुर्गा। बहुत अच्छी बात है, कोई भी शर्ट पहने तो भैया कहते हैं हीरो। तो ये वाली शर्ट फाइनल करते हैं और चलते हैं ऑफिस घर। क्या प्राइस है भैया इसका? 700 होता है, जो ले ही ना बंदा। तो गाइस, मम्मी की पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट हो गई है, ये बैग रेडी किया जाने के लिए, और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, और अभी जाके पता चला है कि ट्रेन है 5 घंटे लेट। देख लिया, अब 11 बजे हो गई है ट्रेन, 6 बजे थी, अब 11 बजे हो गई है। सो मम्मी और पापा सब तैयार थे, अब हो गया उनका पपट, और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं 5 घंटे। तो अच्छा हुआ हम निकले नहीं, अगर निकल जाते तो स्टेशन पे ही काफ़ी दिक्कत होती। सो अभी निकले नहीं है और पता चला है। सो गाइस, लेटेस्ट अपडेट है ट्रेन का, 6 घंटे लेट है डिले, और अब 12 बजे पहुँचेगी ट्रेन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली नहीं, सॉरी, ओल्ड दिल्ली से है। सो अभी देख स्टेटस, ट्रेन अम्बाला से निकल चुकी है, अम्बाला से निकल चुकी है, तो अप्रॉक्स 12 बज जाएंगे दिल्ली आते हुए। सो हम भी निकलेंगे अब थोड़ी देर में, और फिर गोलू वगैरह ओला से जाएंगे, गोलू मम्मी और पापा, और मैं बाइक से, और फिर आते वक्त रिटर्न मैं और गोलू आ जाएंगे बाइक से। सो आते वक्त 12:30-1 बज जाएंगे। सो नाइट लाइफ, वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स गो, चलते हैं। मम्मी तब से रेडी होके बैठी हैं, और मम्मी ने बस स्वेटर डाला है, बिहार के लोग खड़े होंगे वहाँ पे, पधारो हमारे देश। सो गाइस, हीरो के लिए फूफू में नहीं इसे डालने में है, क्योंकि आते वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और बाइक पे पता ही कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। सो 12:30 बज जाएंगे, सो दिल्ली पिक पॉइंट पे होगी अपनी ठंड पे। सो जैकेट मैंने डाल लिया, बोल तू भी जैकेट डाल ले, सेम लग रहा है क्या सेम। सो गाइस, ऊबर आ चुकी है, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। सो मम्मी पापा आ रहे हैं, फिर निकलेंगे ये कार से, और फिर मैं बाइक से, लेट्स गो। तो गाइस, मम्मी भी आ चुके हैं, मैं पूरा ठंड में पैक हो रखी है। सो गाइस, मैं फ़ोन माउंट लगाता हूँ, फिर निकलते हैं। सो गाइस, मम्मी पापा निकल चुके हैं, इसी वाला रास्ता नहीं है उनका, वो किस और रास्ते से गए हैं। सो मैं गोलू से पूछता हूँ किस साइड से गए वो। सो गाइस, हम तो पहुँच चुके हैं, लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा टाइम लगेगा, हम जल्दी आ गए क्योंकि स्पीड आपको पता ही है अपनी गाड़ी को भी। सो गाइस, देखते हैं वो कब पहुँचते हैं, बाइक को करते हैं पार्क,
और वेट करते हैं अब उनका। गाइस गोलू वगैरह भी पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे और मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, बाइक पार्किंग में लगा दिए। सो गाइस वेट कर रहे हैं ट्रेन का, तो अभी आधा घंटा और लगेगा ट्रेन को आने में, तो आते हैं फिर बिठाते हैं माई पापा को, फिर निकलते हैं वापस घर के लिए। सो गाइस ट्रेन आ चुकी है और सब उम्मीद बड़ी नज़रों से देखते हुए फाइनली ट्रेन मिल चुकी है और मेरे पापा भी बैठ गए हैं। सो अभी ट्रेन चलेगी तो हम निकलेंगे, वेट करते हैं 11 घंटा ले, वेट करते हैं अभी फिर निकलते हैं। सो गाइस अब निकलते हैं, अभी ट्रेन तो अभी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। लखनऊ सही से आराम से सुबह सब चलते हैं वापस, भीड़ देख सकते हो। तो भाई सब चलते हैं, लेट्स गो। एग्जिट कौन से है? एग्जिट। सो गाइस सब निकलते हैं अपने घर के लिए, वहीं बाप पहले चलते हैं पार्किंग में बाइक लेते हैं, फिर लेट्स आपको व्यू दिखाऊंगा अभी रात का, 12 बज चुके हैं अभी। सो गाइस जीपीएस ऑन कर लिया है, नाउ वी आर रेडी टू गो आवर होम। सो गाइस पार्किंग मैंने दी नहीं क्योंकि नहीं है गाइस, हमारी स्टाफ है तो गाइस ठंड हो रही है बहुत ही भयंकर, ठंड अपनी पीक पॉइंट पे है। ये देखो बिना हेलमेट के कितने बड़े 30 मार्क खाए ये। सो हेलमेट तो हमेशा पहनना ही चाहिए क्योंकि हेलमेट एटलीस्ट आपके सर को प्रोटेक्ट करता है और सर जो होता है काफ़ी मेन पार्ट होता है बॉडी का। गाइस 92 हुई लास्ट, कूल डाउन बेबी कूल डाउन, नाइस जोक ना आई नो। क्या कर रखा था? सो गाइस आपने देखा हो कुत्ते अभी कितने सारे थे। सो गाइस देखो ये आग जला के बैठे हुए हैं, तो टाइम आ चुका है आग नहीं यार, ये पियकर अंकल है जो कि घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग इन्होंने कूड़े के डब्बे से करी।
गाइस घर पहुंच चुके हैं और मिलते हैं कल आपसे। गोलू खाना रेडी कर रहा है, खाते हैं और फिर सोते हैं। उससे पहले एडिटिंग करते हैं यार। बोलो बाय कर दे।